एकदम गर्मा गर्म चावल, उसके ऊपर गर्मा गर्म दाल, उसके साथ गर्मा गर्म आलू की कदली और अचार मिल जाए तो बात ही कुछ और है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं सिंपल वेज थाली, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। दाल का मैं इजी सिंपल तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक मेजरमेंट लिया है, आप कोई भी घर का छोटा सा कटोरी ले सकते हो। ये कटोरी से मैं 3 कटोरी तुअर की डाल लूँगी। यहाँ पे मैं ये परफेक्ट मेजरमेंट आपको क्यों बता रही हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम दाल बना रहे हो तो ये मेजरमेंट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से भी कम मूंग दाल लिया है। मूंग की दाल हमें क्यों डालनी है, क्योंकि ये दाल को थिकनेस देती है। यहाँ पे हमें इसे 3 से 4 बार पानी में से अच्छे से धो के लेना है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से धो के लिया है। अगर आपकी दाल जल्दी पकती नहीं है तो आप 15 मिनट पहले ही इसे भिगो के रखिएगा। एकदम आधा हम इसमें डालेंगे टमाटर और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे जीरा। अभी इसे हम बाजू में रखेंगे और आपको मैं अभी हम चावल को रेडी करने लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी चावल लिए हैं। इसे हम 3 से 4 पानी से अच्छे से धो के लेंगे। चावलों के ऊपर तक आए इतना हमें इसमें पानी रखना है। 1/2 चम्मच इसमें हमें डालना है नमक। यहाँ पे चावलों को टेस्ट आ जाए इसके लिए हमें इस पर नमक डालना है। यहाँ पे जो दाल का पतीला है वो हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम चावलों को रखेंगे और इसे हमें कुकर में डाल के 4 सीटी देना है। दाल और चावल उबल रहे हैं तब तक हम आलू कतली बना के लेते हैं। आलू को यहाँ पे मैंने धो के लिया है और इसे पोंछ के लिया है। अभी इसे हम इसका छिलका निकाल के लेते हैं। अभी इसे हम कतली के पीसेस में कट करके लेते हैं। एकदम ही पतला हमें आलू को नहीं कट करना है। यहाँ पे आप देखिएगा इतना थिकनेस हमें रखना है। एकदम सिंपल तरीके से ये आलू बनते हैं। यहाँ पे इसमें हमें डालना है नमक, रेड चिली पाउडर हमें इसमें डालना है तीखापन देने के लिए। बस अभी हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के लेना है। अभी इसके ऊपर जो आटा लगेगा वो हम बना के लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 चम्मच चावल का आटा लेना है और 3 चम्मच यहाँ पे हमें सूजी लेनी है। कोटिंग को अच्छे से टेस्ट आ जाए इसके लिए इस पर हम डालेंगे नमक और इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे। तवे में हमें यहाँ पे तेल लेना है। अभी ये जो मिश्रण है उसमें हम कतली को डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से दबा के कोट करके लेना है। अभी इसे हम फ्राई करके लेंगे। गैस को हमें स्लो पे डालना है और स्लो गैस पे हमें इसे अच्छे से एक साइड से पका के लेना है। अभी इसे हमें पलट के लेना है। एक साइड से आलू है वो अच्छे से पक गए हैं। दूसरे साइड भी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। आलू पक गए कि नहीं आपको कैसे समझेगा, बीच में से इसे थोड़ा सा ऐसे दबा के देखिएगा, आलू है वो पक गए हैं। अभी इसे हम निकाल के लेते हैं। अभी हम दाल को तड़का लगा के लेते हैं। यहाँ पे हमें तेल लेना है। अगर आपको घी पसंद है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। एकदम थोड़ा सा हमें तेल लेना है। अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा अच्छे से फूट जाए इसमें हमें डालना है हींग। ज़रूर डालिएगा दोस्तों, इसे टेस्ट में बहुत अच्छा आता है। 4 से 5 करी पत्ता डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी को हमें एकदम भी जलाना नहीं है। इसमें हम डालेंगे ये उबली हुई दाल, इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे पानी। अगर आपको गाढ़ी दाल पाना पसंद है तो पानी कम डालिएगा। अभी इसे हमें मीडियम गैस पे 5 से 6 मिनट के लिए उबाल के लेना है और स्वादानुसार इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे दाल है वो अच्छे से उबल गई है। अभी इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अभी हम गैस को बंद करके लेंगे। यहाँ पे एकदम सिंपल वेज थाली बन के रेडी हो गई है दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।